कुंभ नगरी उज्जैन में लगा है धर्म का सबसे बड़ा मेला। और इस मेले में आए हैं तरह तरह के बाबा। ये बाबा सिर्फ प्रवचन नहीं देते, खाते सब कुछ खा लेते, लेकिन पत्थर साथ में खा लेते। ये बाबा सिर्फ धर्म की राह नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं चमत्कार, ये करते हैं अनोखे कारनामे। कोई करता है पत्थरों का नाश्ता, किसी गुरु का चेला है एक हिरण, कोई अपनी जटाओं से कर रहा है हैरान, तो कोई भगवान की भक्ति में बजा रहा है गिटार। एक बाबा ने ली है अनोखी शपथ, 11 सालों से लोट लोट कर कर रहे हैं धर्म स्थलों की यात्रा। कुंभ नगरी उज्जैन में भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हर रोज हम आप तक सिंहस्थ कुंभ के रंग पहुंचाते हैं। आज हमारे सहयोगी गौरव राजगुप्ता आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ ऐसे बाबाओं से जो अपनी विचित्र भक्ति के लिए जाने जाते हैं। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा रंग बिरंगे। कुंभ नगरी उज्जैन में आपने अब तक तरह तरह के रंग देखे, भक्ति में डूबे अनोखे भक्तों को देखा, तो भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने वाले विचित्र बाबाओं को भी देखा। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भक्ति के कुछ ऐसे रंग जहां आस्था सिर्फ इंसानी घेरेबंदी में नहीं रह जाती, ये आस्था बेजुबानों पर भी असर दिखाती है। भक्ति और आस्था का ये अनोखा रंग हमें दिखा महंत संतोष में। जी हाँ, चौंकिए नहीं, महंत संतोष किसी और का नहीं बल्कि इस हिरण का नाम है। आज मैं आया हूँ उन महाराज के शिविर में जहाँ पर उनके चेले इंसान तो हैं ही, उनके चेले उनके शिष्य जानवर भी हैं, और सबका आकर्षण का केंद्र जो बन रहे हैं ये हैं संतोष जी, महंत संतोष हैं ये संत संतोष हैं, ये ऋषि संतोष हैं, ये साधु संतोष हैं, ये हिरण हैं, लेकिन नाम संतोष है। और जो उनके गुरु जी हैं, गुरु जी आपका नाम क्या है? श्रीमान महेंद्र गिरि। महेंद्र गिरि जी, आपके दर्शन के लिए भी तो बहुत भक्त आ रहे हैं और आपके शिष्य के दर्शन के लिए तो बहुत भक्त आ रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये हुआ कैसे, दीक्षा शिक्षा कैसे ली संतोष जी ने आपसे? बस देखो, और हिरण साधारण नहीं है, ये साधु हिरण है, ये संत हिरण है। ये आप शिष्य बने कैसे, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? यहीं यही कुंभ में हुई। हाँ। इसी कुंभ में, इसी सिंहस में, इसी बार। हाँ। यहाँ कैसे आ गई है? यहाँ लेके आए वहाँ से। अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे? हम पंजाब पटियाला। अच्छा। ये हमारा सिलसिला रहता है। बाबा के इस भक्त को देखने के लिए हर रोज लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। आस्था का ऐसा रंग देखकर लोग हैरान हैं। ये है रंग उज्जैन सिंहस्थ के, और इन रंगों को अपने कैमरा में इस तरह से समेटने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर भीड़ हम कहें इस पूरी लाइन में हमें देखने को मिल रही है, तो शिविर में देखने को मिल रही है। आकर्षण का केंद्र, क्योंकि साधुओं के दर्शन का लाभ तो लोग ले ही रहे हैं, साथ ही जो उनके शिष्य हैं अनोखे शिष्य, उनका भी लाभ लेने के लोग आ रहे हैं। आप बताइए कि सेल्फी लिया अपने संतोष जी के साथ में, हिरण के साथ में? मिला नहीं मौका यहाँ पे, क्योंकि ये
वायर लगा दी गई है, तार लगा दी गई है ताकि आगे ना आ पाए, भीड़ क्योंकि इतनी ज्यादा है। कभी देखा है ऐसा शिष्य, कभी आसन तो देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा। अभी देखने को मिला। अभी इससे पहले कभी देखा था नजदीक से? हिरण को कभी देखा? नहीं देखा। अब आपको मिलवाते हैं पत्थर खाने वाले बाबा से। जी हाँ, आपसे सुनने में कोई गलती नहीं हुई है, ये पत्थर खाने के लिए ही यहाँ रखे हुए हैं। देखने वाले सवाल उठाते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है, कोई इंसान पत्थर कैसे खा सकता है? लेकिन ऐसा सालों से चल रहा है। पत्थर खाने वाले बाबा मानते हैं कि प्रभु की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हैं और पत्थर खाने के बावजूद उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे साथ में एक चमत्कारी बाबा हैं। बाबा का भोजन जो है वो ये है। आप क्या खाते हैं? बर्गर, पिज्जा, रोटी, दाल, क्या पसंद है आपको? पापड़। यहाँ लेकिन यहाँ पर जो है राघव महाराज, ये देखिए, ये है भोजन, ये देखिए, ये क्या है पता है? जानते क्या है ये? ये पत्थर है। आवाज सुनिए इनकी। अगर दाल खाते वक्त, चावल खाते वक्त मुंह में छोटा सा कंकड़ आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं और जिसने खाना बनाया होता है उसकी शामत आ जाती है। लेकिन इनके जो है, जिस तरह चने की दाल में कंकड़ से हम परेशान होते हैं, ये कंकड़ को चने की तरह खा जाते हैं। ये है महाराज के चमत्कार और ये है इनके गुरु महाराज। महाराज क्या शुभ नाम आपका? मनमोहन भारती। भारती जी, ये आपका भोजन है, आपका भोजन परोसा जा चुका है और ये चमत्कार हम चाहेंगे एक बार करके दिखाएं दर्शकों के सामने। ये क्या हठ योग है, ये कौन सी साधना है, किस गुरु का आशीर्वाद है, ये क्या है महाराज, ये देखना चाहते हैं हम। चलिए भोजन ग्रहण कीजिए। डाइट क्या? मेरे से रोज लेके खाते हैं। मैं आज इनको आधा किलो पत्थर नहीं दिया, आज 300 ग्राम दिया और खाने के बाद भी वो खा रहे हैं। पत्थर के अलावा भी कुछ और खाते हैं? खाते हैं, सब कुछ खा लेते हैं लेकिन पत्थर साथ में खा लेते हैं। बच्चे को मैंने एक आशीर्वाद ऐसा दिया कि तू पत्थर ही खा। यहीं पर हमें लंबी लंबी जटाओं वाले बाबा भी मिले। बाबा की ये लंबी जटाएं 12 साल लंबी साधना का नतीजा है। मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे क्राउन होता है, ताज होता है, उस तरह सजा के आप जटाओं को बैठे हैं। एक बार दिखाएं कितनी घनी और कितनी लंबी जटाएं हैं आपकी। वाह, तो जैसे भस्म श्रृंगार होता है किसी साधु का, तो जटाएं भी श्रृंगार में ही शामिल होगी लग रहा है मुझे। हाँ जी। ये कितने सालों की मेहनत है महाराज? साधना कहीं से कितने सालों की है? ये 12 साल की है। 12 साल की। महाराज एक बार पीछे घूमिए, ये देखिए क्या बात है, क्या बात है, वाह। बहुत बढ़िया, जय हो श्री महाकाल, हर हर महादेव। अब आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे भक्तों से जो विदेशी संस्कृति में पले बढ़े लेकिन एक बार हिंदुस्तान की धरती पर धर्म की दीक्षा ली तो आचार व्यवहार और पहनावे से लेकर सोच तक भी बदल गए। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? इंग्लैंड। इंग्लैंड, यू? फ्रांस। फ्रांस, आप इधर से आ जाओ, फ्रांस से बोलिए। एंड यू? मेक्सिको। मेक्सिको। मेक्सिको, व्हाट्स योर नेम? रूफस। योर नेम? होस्टवे। माय नेम इज यानिस। इंग्लैंड, मेक्सिको, यू? फ्रांस। फ्रांस, ओके। सो यू टेल मी व्हाई यू हैव कम हियर इन सिंहस्थ, इन उज्जैन। आई हैव कम फर्स्ट कमिंग हियर। My purpose is a spiritual one, for yoga, for discipline, for music, for art. These reasons. Spiritual, yoga, and music. And your purpose? People. Because this is the largest human gathering on planet, the Kumbh. सबसे बड़ी gathering है, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं. Your purpose? I'm here to discover India and Kumbh Mela. You're liking it? Yes, very much. Your experience? Amazing. Your experience? Incredible in India.
ये है तस्वीर उज्जैन के कुंभ की। रहस्यों की नगरी में कुंभ हो रहा है और तंत्र मंत्र की नगरी में सिंहस्थ हो रहा है और इसी के रंग वो हर तरफ बिखर रहे हैं जिसके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ यहाँ पर आ रही है। और यहाँ महाकाल भी है, यहाँ देवी भी है, यहाँ महात्मा भी है, यहाँ भक्त भी है, देशी भक्त भी है, विदेशी भक्त भी है और यहाँ पर IBN 7 भी है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए IBN 7। हम बात कर रहे हैं सिंहस्थ कुंभ के अनोखे बाबाओं की। अब तक आपने पत्थर खाने वाले बाबा, हिरण को अपना शिष्य बनाने वाले बाबा और कई और बाबा भी देखे। अब आपको दिखाने जा रहे हैं उस बाबा की तस्वीरें जिन्हें देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये कहानी है लोटन बाबा की। उज्जैन के सिंहस्थ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से लोग इस धर्म नगरी में पहुंच रहे हैं। लगातार विदेशी भक्त भी यहां आस्था की डुबकी लगाने चले आ रहे हैं। लेकिन अब आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी भक्ति देख आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये हैं लोटन बाबा। इनका नाम लोटन बाबा क्यों पड़ा ये आप इन तस्वीरों को देखकर खुद समझ सकते हैं। सड़क पर लौटते हुए ये बाबा एक अनोखी यात्रा पर निकले हैं। ये बाबा कुंभ नगरी उज्जैन जा रहे हैं और यह बाबा की यह यात्रा 10-20 के 100 किलोमीटर की नहीं बल्कि ये 1000 किलोमीटर का फासला तय करने का इरादा लेकर अयोध्या से उज्जैन के लिए रवाना हुए। मैं अयोध्या में 12 अक्टूबर से चला हूँ। यहाँ तक आने में अभी 6 महीने 8 दिन हो गए हैं मेरे को। आगर आने में मेरे को 6 महीने 8 दिन। अब आप जरा उत्तर भारत में तेजी से बढ़ रहे गर्मी की हालात पर गौर कीजिए। चिलचिलाती गर्मी में लोगों का काम पर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसी गर्मी में लोटन बाबा तपते सड़क पर लौटकर अपना सफर पूरा कर रहे हैं। यह लोटन बाबा की साधना का ही नतीजा है कि वो बिना रुके लगातार अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि लोटन बाबा पिछले 11 सालों से इसी तरीके से देश भर के धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं और अब उनकी नई मंजिल है उज्जैन। बाबा का कहना है कि वो देश और जन कल्याण के लिए लौट कर अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। 11 वर्ष हो गए मेरे को। 11 वर्ष हो गए आपको, तो आप ये तपस्या कर रहा है इसके पीछे आपका क्या मकसद है? ये सिर्फ मेरा मकसद है इसका जन कल्याण। अधिक से अधिक जनता दर्शन करना चाहता हूँ और उसकी रिक्वेस्ट महाकाल से करना चाहता हूँ कि भगवान इस जनता को दिन दुगना और रात चौगुना दे जो धर्म की ओर देखते रहे। इनकी इंसान जैसी बुद्धि रहे तो कलयुग नहीं व्यापेगा। तो आप ये देश के कल्याण के लिए कर रहा है और लोगों के लिए कर रहा है तपस्या? हाँ, जनहित के लिए ही करता हूँ। मेरे लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना ही भगवान से मेरी कोई मांग है। मैं तो आनंद ले रहा हूँ संसार का, भक्ति भक्ति कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। जिस प्रकार से बाबा देखा गया कि महाराष्ट्र वगैरह में सूखा पड़ा है, तो क्या आप भगवान से ये भी कामना करते हैं कि वो सूखा ग्रस्त खत्म हो जाए? क्यों नहीं करते हैं? जनता ऐसा थोड़ी है कि मेरा ही क्षेत्र मेरे लिए है। मेरे लिए तो जनता सभी समान है। भगवान के लिए जैसे जनता सभी समान है, जो भक्ति करता है उसके लिए सभी जनता समान होती है। वो सबकी ही कामना भगवान से यही की जाती है कि भगवान इनको सुखी रखे। आपकी तपस्या कब तक चलेगी? जब तक शरीर साथ देता रहेगा जब तक तो लोट तपस्या चलती ही रहेगी। अब इसके बाद है जब लोट तपस्या शरीर साथ नहीं देगा तो प्रभु भजन करने का समय आ जाएगा। फिर आप वहाँ से चले हैं, आपको यहाँ तक आगर आने में कितना वक्त लगा? मैं अयोध्या में 12 अक्टूबर से चला हूँ। यहाँ तक आने में अभी 6 महीने 8 दिन हो गए हैं मेरे को। आगर आने में मेरे को 6 महीने 8 दिन हो गए हैं। आप दिन में ही लोट लगाते हैं, रात में भी लगाते हैं क्या? नहीं, सुबह दिन में ही लोट लगाता हूँ 8 बजे से शाम को 8-7 भी बज जाए, 6 भी बज जाए, 6-7, 6-7। इतनी गर्मी हो रही है और रोड एकदम बिल्कुल लाल हो रहा है, तो इस पर? वो तो प्रभु जैसे शुरू में हम ठंडे रोड पे लेटते हैं, धीरे धीरे रोड भी गर्म होता है, धीरे धीरे सूर्य भी तेज होता है, तो हमारे बदन को भी भगवान हार्ड करते हैं। साथ साथ तब बनता है तो बदन भी हमारा उतना स्ट्रीट होता है। आज रात कहाँ रुकने की मर्जी? अब आज रात देखो भगवान कहाँ रुकेंगे इसका अभी हम नहीं कह सकते। लौट पे हैं जब तक हमारा आश्वासन कोई नहीं। हर रोज बाबा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लौट कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं।
रास्ते में भक्त बाबा के लिए सड़कों पर फूल बिछाते हैं। बाबा की ये कठोर साधना देखने के लिए हजारों लोग हर रोज उनके इस यात्रा के साथ जुड़ते हैं। लोटन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन सिंहस्थ के लिए 12 अक्टूबर 2015 को अयोध्या से निकले थे और अब तक वो 6 महीने की यात्रा पूरी कर चुके हैं। अभी भी बाबा उज्जैन से 65 किलोमीटर दूर है। उम्मीद है कि जल्द ही उनकी यात्रा पूरी होगी और उन्हें उनकी साधना का फल मिलेगा। गौरव गुप्ता, उज्जैन, IBN 7।